घर छोड़ने के बाद फैमिली, डिड यू एवर रिग्रेटी रिगरेट नहीं रिग्रेट नहीं किया मैंने लेकिन मुझे समझ आई कि जिंदगी होती क्या है हॉस्टल में मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने गाड़ी रखी हुई थी एक खूबसूरत मज़ेदार जिंदगी छठी से मैं ड्राइविंग कर रहा था तो फिर पता चला कि भाव बिकती है रूफी अंकल उनकी भी डेथ हो गई उनके घर आके डेरा शेरा लगाया उसके बाद सही फिर सहीद अंकल को फ़ोन किया और मैंने रूफ़ी को कहा कि यार कोई दही भल्लों की रेडी लगाते हैं वो मतम्बल करके याद कॉलोनी मॉल टाउन के साथ तो वो उसने कहा कि तेरे बाप ने भी कुछ दही भल्ले बनाए मैंने कहा बनाने नहीं है बेवकूफ आदमी हम कारीगर ढूंढते हैं कारीगर ढूंढा मॉल टाउन अड्डे में जगह ली एक दुकान के आगे नॉट इवन अ शॉप उसके आगे रेडी लगाने की और फिर जिंदगी का सफ़र शुरू हो गया और ये एक अजीब बात है मैं कहता भी हूँ लोगों को कि जब मैंने बाकायदा लिखने का बाकायदा करियर का आगाज़ किया तो मेरी इनकम उससे कई गुना ज़्यादा थी रेडी पे इन इन चीज़ों में ना कमाई वन यू टॉक अबाउट मनी बहुत इसमें बहुत कंफर्टेबल है वो मामला लेकिन स्टेटस ये वो मुझे लोगों ने कहा मिलेगा कोई नहीं मिलेगा झन्हों में जाए कोई भी ना मिले मुझे तो किसी से मिलने का शौक़ नहीं लेकिन मुझे किसी ने नहीं छोड़ा मेरे यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज मेरी जितनी लड़कियां मेरी क्लास फेलोज़ थी या साथ वाले डिपार्टमेंट उस जमाने में पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स बहुत थोड़े थे एवरीबडी न्यू एवरीबडी वो सब आना शुरू हो गए वो तो इसरार ही कहते थे ना मुझे कि वो इसरार ने ये कर लिया वो कर लिया फलाना कर लिया फ़ाइन उसी जमाने में मैंने फिर एक शेयर लिखा था आ, मैं वो बच्चा जो जजीरे में अकेला रह गया खुद ही अपना बाप खुद ही अपनी माँ बनना पड़ा इट्स वेरी डिफिकल्ट मतलब अर्ली डेज ऑफ माय कैरियर बट आई एंजॉयड आई रियली अब्रार अंकल जैसे दोस्त मुझे मिले वहाँ रेडी पूरी जिंदगी का पचास साल दोस्ती थी उनके साथ आरिफ रोपड़ी हैं वो आजकल अमेरिका में होते हैं मॉडल टाउन में मेरी जितनी दोस्तियाँ हैं ये सारी उस ज़माने की रेडी के ज़माने की अब जहाँ मॉडल टाउन पार्क है ना ये पार्क नहीं था ऐसे मॉल टाउन अड्डा कहते थे अड्डा इसलिए कहते थे कि यहाँ मॉडल टाउन की एम टी बी एस मॉल टाउन बस सर्विस उसका अड्डा था आगे को दस पंद्रह दुकानें थी उनमें से एक दुकान के आगे मैंने रेडी का वो जो जर्नी आपने शुरू की और आप एक स, आ, मकाम पे पहुंच गए तो उसके बाद व्हाट वाज दादा बुकर रिएक्शन विद यू बहुत जल्दी ये हुआ कि मैं हल्का अरबा शौक होता था यहाँ बहुत कुछ बर्बाद हुआ इस मुल्क में बहुत कुछ बर्बाद हो चुका हल्का अरबा बजौक में मैंने नज्म पढ़ी तो मेरे पास सरवर सुखरा अंकल आए तो दैट वज द फर्स्ट टाइम आई मीटिंग हिम वो नए नए इंग्लैंड से आए थे पोलाइट हम्बल सॉफ्ट बहुत सोफिस्टिकेटेड तो उन्होंने मुझे कार्ड दिया उस पर धनक तो मुझे कहते हैं मैं इंग्लैंड से आया हूँ एंड आई एम प्लानिंग टू तो ब्रिंग आउट अ मैगजीन मैंने एक माहनामा निकालना है तो आप मुझे मिलें मैंने कहा अच्छा ये नज्म पढ़ने के बाद जब वो डिस्पर्स हुआ वो सारा तो मेरे साथ दोस्त भी थे तारक सज्जाद जान ये वसीम सज्जाद जान अंकल के छोटे भाई वो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे वो पाँच सात दोस्त थे मेरे साथ वो कांट साँट मैंने घुमा दिया मैं भूल गया मेन मार्केट में हाइड आउट होता था एक वहाँ के सैंडविचेस बड़े मशहूर थे हम लोग वहाँ खाने गए पाँच चार दिन के बाद शाम ढल रही थी तो हम मोटरबाइक्स पे बैठे खा खा खू रहे थे गपट लगा रहे थे तो प्लास्टिक साइन जला धनक का तो तारिक ने कहा यार वो देख सार वो अच्छा वो तो मुझे आखिरी वक्त तक यूनिवर्सिटी के दोस्त तो आज भी असरार ही कहते हैं तो कहते यार वो ये ये बंदा मिला था वो किधर है कार्ड मैंने कहा पता नहीं किधर चला गया कहते चल मिलते हैं मैंने कहा यार दिमाग हाँ ख़राब है उन्होंने अभी पता नहीं क्यों कहा चले गए खैर नहीं वे उन्होंने इंसिस्ट किया और बड़ी खूबसूरत बात की तारक सजाद ने वो हफीज़ अंकल के भी बड़े दोस्त थे अहमदाबाद बर्न हॉल से तो मुझे तारेक़ कहता है हालांकि वो बहुत दुनियादार नहीं था बहुत मासूम मुझे कहता है तू फिल्म राइटर बनना चाह रहा है तुझे किसी ने घुसने नहीं देना स्टूडियोज़ में उस जमाने में बड़ा क्राउडेड होता था, था स्टूडियो तुझे किसी ने घुसने नहीं देना तो तू मैगजीन ज्वाइन कर ले तुझे रास्ता मिल जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में घुसने का एज अ राइटर ये मुझे क्लिक किया मेरे गाँव चलते हैं हम पाँच छः दोस्त से चले गए सर और भाई बड़े प्यार से मिले ये वो सारा और हमें कॉफ़ी शॉप भी पिलाई उसके बाद मेरे दोस्तों को बड़ा पोलाइटली जैसा उनका तरीका है तो उन्होंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनसे दस मिनट अलग बात करूँ सो टुक मी टू अनदर रूम एंड यू ऑफर्ड मी जॉब तो वो थी uh, साढ़े तीन सौ रुपया सेवेंटी टू थ्री की बात उस वक्त फर्स्ट क्लास गेजटेड ऑफिसर की तनख्वाह लेकिन मेरी हँसी निकल गई चूँकि मैं रेडी पे इससे कई गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा था वो रेडी से प्रमोट हो गए मैंने बाद में तिके कबाबों का पीछे वो दुकान पड़े वो लंबी कहानी है तो मैं हंस पड़ा मैंने वो क्या कह, कहते क्या क्या हुआ मैंने कहा उस वक्त तो मैं सुखराल साहब भी कहता था अब मैं उनको सरूर भाई कहता हूँ बाद में रिलेशनशिप ऐसा हो गया तो मैंने कहा मैंने कहा सरूर भाई इतने पैसे तो मुझे हॉस्टल में मिलते थे और मैं तो मॉडल टाउन में रेडी पे इतने पैसे कमा रहा हूँ वो भी हंस पड़े तो उन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट द एंड जस्ट बिगनिंग वो हैंडल हो जाएगा मैंने कहा ठीक है दैट दैट इज द बिगनिंग एंड दैट इज द एंड नेवर लुक बैक फिर वो जेलने शेलने जया उल्हा किए वो करते कराते दंट्री आई लेफ्ट द कंट्री आई टू लीव द कंट्री जैसे एक बार फिर मैं ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहा हूं इसी तरह उस वक्त वजूहत और थी इस वक्त वजूहत और हैं उस वक्त वो हक हाँ ये वो सारा गंद ये इससे चंद साल बाद की बात है तो मैं उस थर्टी जब मैंने पहला घर बनाया अपना सऊदी अरेबिया चला गया मजबूरी के आलम में पंजाबी में कहते हैं कुब्बे नू लतरासाना यानी कुबड़े को किसी ने टांग मारी उसका जो कुबड़ापन था वो दूर हो गया तो मेरा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी वो एट दी एज ऑफ थर्टी मतलब पाकिस्तान में आज भी

सो so, इस तरह अब भी बच्चे शायद ये चीजें फेस करते हैं क्योंकि पेरेंट्स वो चीज़ समझ नहीं पाते आई थिंक तो उन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है बेटा एक बात पक्की है देखो ये आपको व्यूअर्स आप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर करो आई अंडरस्टैंड मैंने जब आप लोगों ने यह फैसला किया मैथ्स कम्युनिकेशन ये वो ठीक है याद है मैंने आप लोगों को क्या कहा था आतम को क्या कहा बच्चों को हमेशा कहा मुझे देख के नहीं अगर तुम्हारे दिल में है फिर करो वो करो उधर तुम पे बड़ी रहमत होगी उसकी ये नहीं होता यू बॉन्ड फॉर समथिंग उसको सर्च करो कि मुझे रब ने किस काम के लिए कहाँ मेरा दिल कहाँ मेरी रूह है मैंने सऊदी अरेबिया बहुत जल्दी आई वॉज मेकिंग लॉट ऑफ मनी उस ज़माने के अतबार से तो uh, मैंने चंद साल के अंदर अंदर छोड़ दिया है वेंट बैक टू माय प्रोफेशन बिकॉज़ मेरे लिए इट्स लाइक ऑक्सीजन मुझे अच्छा लगता है मैं घर में मैं मेरा ख्याल मुझे ऊपर गए हुए अपर पोर्शन में गए हुए मेरा ख्याल है दो तीन महीने तो हो ही गए होंगे यही है ना क्यों मुझे किताबों की कंपनी से मुझे वैसे ही कोई इश्क वाला मामला है आई लव इट तो जिस चीज़ में आपकी रूह है जिस चीज़ के लिए वो तलाश करो ढूंढो कि कुदरत ने आपको किस काम के लिए उतारा है देखो हजामों के घर पैदा हुए रफ़ी साहब सादकैन को भी मैंने इंटरव्यू किया हुआ है अजीम पेंटर थे तो वालद उनके उंगलियों पर मारा करते थे हाथ उल्टा करके कि ये क्या कोयला लेके दीवारें रंगता रहता है अमरोहा में या जहाँ भी वो रहते थे सो so, बच्चों पे कभी इम्पोज़ नहीं करना चाहिए मेरे तो ये ईमान का हिस्सा है बच्चे में अगर कोई चीज़ है अगर वो बिल्कुल ही नहीं जानता और वो आपसे पूछता है गाइडेंस उसमें फिर अपनी अकल समझ के मुताबिक आप उसको गाइड कर दो लेकिन अगर बच्चा है डिटर्मेंड कि भाई मैंने ये काम करना है उधर उसको इनक्रेज करो बिकॉज ज़िंदगी में विक्ट्री स्टैंड किसी भी चीज़ में आप चले जाओ तो यू कंफर्टेबल, यू सेटिस्फाइड आपकी रूह खुश होती है अगर आप अपना पसंदीदा काम कर रहे हो गैर पसंदीदा काम अगर करना पड़ जाए जिंदगी में याद रखना मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं मैं इसका हमेशा एक बात करता हूँ कि बेटा अगर मेरे जिम्मे झाड़ू देना हो तो मेरी कोशिश ये होगी कि मेरे जैसा स्वीपर कोई ना हो यानी जो भी काम करना है और दयानत की डेफिनेशन सिर्फ यही नहीं है कि आप फाइनेंशियल डीलिंग में आप साफ सुथरे नहीं जो काम आपने आपके जिम्मे लगा और आपने एक्सेप्ट कर लिया ये नहीं है कि गन पॉइंट पे मेरे जिम्मे लगाया आपने अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है काम फिर मुझे तन मन धन से उस चीज में होना चाहिए बिल्कुल